हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए बहुत अमेजिंग सा पराठा रेसिपी। बहुत अमेजिंग होता है फ्रेंड, इसे चाहे आप चाय के साथ, नाश्ते के साथ खाइए या शाम के डिनर में खाइए, बहुत अमेजिंग होता है फ्रेंड। एक नॉर्मल रोटी लेंगे और उसे सूखा आटा लगा के पहले रोटी की तरह नॉर्मल बेल लेंगे। तो देखिए, हमने बेल लिया और इस पर अच्छे से घी लगा लेंगे, या तो देसी घी लगा लीजिए या कोई भी रिफाइंड आप जो भी खाते हो लगा लीजिए। अच्छे से लगा लीजिए, उस पर अच्छे से लाल मिर्ची स्प्रिंकल कर दीजिए, ऐसे नमक डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए और धनिया की पत्ती डालिए, फिर आधा आधा फोल्ड कर लीजिए। अब इस पर चाहे आप चीज डाल दीजिए, चीज क्रश करके डाल दीजिए, या देसी घी को पहले से फ्रिज में रख दीजिए, वो पूरी हार्ड हो जाएगी, उसे क्रश करके डाल दीजिए। एक बार इस तरह पराठा जरूर बनाइए फ्रेंड, और इसे बेल लीजिए, उस पर से थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल के सूखा आटा डाल के इसको बेल लीजिए। तो देखिए, हमने बेल लिया, तवे पर डाल के उलटते पलटते हुए एकदम क्रिस्पी सा घी लगा कर इसे सेक लीजिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड। इस तरह से जरूर बनाइए, चाय के साथ खाइए, डिनर में खाइए, बहुत ही अमेजिंग होता है, चाहे बच्चों को टिफिन में दीजिए। देखिए, इस तरह से चारों चारे को चारे परतें पूरी तरह से खुली हुई, बहुत